नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम TEA यानी कि ट्राई इथेनॉल एमाइड केमिकल के बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे। बेसिकली आज के टाइम में ये केमिकल यूज़ तो काफ़ी प्रोडक्ट में होता है, लेकिन इसका मेन काम क्या होता है और ये किस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझेंगे। TEA ट्राई इथेनॉल एमाइड, सबसे इसके ऊपर मैंने पूरा एक नोट बनाया हुआ है, तो अगर समय मिलता है तो मैं यहाँ पे इसके पिछले के वीडियो की तरह कुछ नोट्स में लिख दूंगा। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ट्राई इथेनॉल एमाइन, इसका फुल फॉर्म है ट्राई इथेनॉल एमाइन, जिसे संक्षिप्त में TEA कहा जाता है। एक कार्बनिक रसायन है जो अल्कोहल और एमिन दोनों वर्गों में आता है। इसका ये दोनों टाइप में होता है, अल्कोहल में भी होता है और एमाइन में भी होता है। ये चिपचिपा, रंगहीन और हल्का पीला तरल होता है। अगर आप लोगों ने देखा हो, बेसिकली जो लोग TEA यूज़ करते हैं, ये दिखने में AOS के जैसा ही होता है, हल्का पीला ही होता है। यह pH नियंत्रण होता है, इमल्सीफायर का काम करता है और सर्फेक्टेंट के रूप में पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक डिटर्जेंट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज़ होता है। आगे देख लेते हैं, इसका केमिकल नाम है ट्राई इथेनॉल एमाइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला, जिसको रासायनिक सूत्र कहा जाता है, C6H15NO3, ये इसका केमिकल फॉर्मूलेशन है। और इसके मेन यूजेस देख लेते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट में मेन इसका काम क्या होता है। सबसे पहले कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में देखा जाए तो pH कंट्रोल करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट बनाते, मुझे खास करके इसके रिगार्डिंग कई लोगों के कॉल आए हुए कि जब प्रोडक्ट बनाया जाता है तब वो सही होता है, लेकिन कुछ समय के बाद प्रोडक्ट या तो धुंधला हो जाता है या फिर उसमें सेपरेशन आ जाता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि कई बार जो पानी हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट बनाने में, उसमें अगर क्षार की मात्रा ज़्यादा है तो प्रोडक्ट शुरू में तो बन जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो प्रोडक्ट का जो pH होता है वो बिगड़ जाता है। तो इसके लिए pH बफरिंग के लिए भी, pH कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, खास करके स्किन क्रीम, लोशन, फेस वॉश जैसे प्रोडक्ट में pH बनाए रखने के लिए इसका यूज़ होता है। साथ ही साथ ये इमल्सीफायर का भी काम करता है। इमल्सीफायर आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी ऐसा केमिकल होता है या कोई ऑयल हो जो पानी में घुलता नहीं है, तो उसको घुलने के लिए बीच में इमल्सीफायर का यूज़ किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से इमल्सीफायर के रूप में भी ये काम करता है। अगर आपके पास कोई ऑयल बेस्ड परफ्यूम है और अगर आपको अल्फोक्स नहीं मिल रहा है और आपको TEA आसानी से मिल रहा है, तो आप TEA की यूज़ भी कर सकते हो। मात्रा ये आपको खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये डिपेंड करता है बैच कितना बड़ा है उसके ऊपर है। और सर्फेक्टेंट के हिसाब से देखा जाए तो झाग बनाने में और क्लीनिंग में सहायता करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मली क्लीनिंग भी देता है और फॉर्म बनाने का भी काम करता है। डिटर्जेंट और क्लीनर में TEA गंदगी हटाने और पानी की कठोरता को कम करने में मदद करता है, जैसा कि देखा। लिक्विड डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, हार्ड सरफेस क्लीनर आदि में इसका उपयोग होता है। और थोड़ा और अच्छे से इसको देख लेंगे, इसकी प्रकार सुरक्षा और जोखिम देख लेते हैं कि भाई इसका यूज़ करना कितना सेफ है और कितना हानिकारक है। त्वचा पे लंबे समय तक संपर्क से जलन हो सकती है अगर इसका यूज़ लंबे समय तक किया जा रहा हो। कई बार कई लोगों को प्रेजेंट टाइम में ये दिक्कत सभी को है, सेंसिटिव स्किन हो चुकी है, तो अगर TEA का मात्रा ज़्यादा हो गया तो किसी को दिक्कत हो सकती है। आँखों के संपर्क में आने पर जलन और क्षति संभव है। सांस, भाप या धुएं का अधिक सेवन हानिकारक होता है। और सावधानी में जो बैच बनाने में हम यूज़ करते हैं, वह ग्लव्स पहनना है, गॉगल्स पहनना है। और इसका हल्का सा निष्कर्षण समझ लेते हैं। TEA एक बहुउपयोगी रसायन है जो पर्सनल केयर, डिटर्जेंट, इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन उद्योगों में प्रमुख रूप से उपयोग होता है। इसकी pH नियंत्रित करने की क्षमता और इमल्सीफाइंग गुण इसे एक आवश्यक घटक बनाता है। हालांकि यह रसायन त्वचा और आँखों के लिए कुछ हद तक संक्षारक हो सकता है, इसलिए इसे सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। अब इसकी जो यूजेज है, इसको उपयोग करना है, इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। यहाँ तक तो इसका खाली बेसिक डिटेल देख लिया, अब थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेते कि इसका यूज़ कितना और किस प्रकार से करना होता है। कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में ट्राई इथेनॉल
का सबसे अधिक उपयोग कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर इंडस्ट्री में होता है, जैसे पीएच कंट्रोल करना। यह स्किन क्रीम, लोशन, हेयर डाई, फेस वॉश, शेविंग फोम आदि में पीएच को बैलेंस करने के लिए डाला जाता है। यदि फॉर्मूला ज़्यादा एसिडिक है तो टीए उसे न्यूट्रल या थोड़ा क्षारीय बनाता है। मतलब इसका ये मतलब बंद निकाल लेना कि कॉस्टिक की जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला था SLES वर्सेस AOS, मतलब SLES और AOS के बीच में क्या समानता और क्या डिफरेंस है, उसमें भी मैंने कहा था कि अगर आपको फॉर्मिंग के लिए यूज़ करना है तो आप SLES या पे AOS यूज़ कर सकते हो, थिकनेस की जगह पे नहीं। उसके बाद भी एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि क्या शैम्पू में AOS की SLES की पे AOS यूज़ कर सकते हैं। भाई इतना कंटेंट नहीं होता है पूरा, या तो समझाओ कि भाई कौन से प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको क्या प्रॉपर्टी चाहिए, आपको थिकनेस चाहिए या फॉर्मिंग चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर आपको एसिडिक प्रोडक्ट है और वहाँ पे आपको TEA यूज़ करना है, ये दिक्कत कब होती है, कई बार प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल का यूज़ होता है जिसका पीएच या तो एसिडिक हो सकता है या फिर अल्कलीन हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मली होता है। जैसे अगर एसिडिक पे देखा जाए तो 4 या 5 तक का पीएच हो सकता है कई बार, जैसे हम साइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। या फिर अगर अल्कलीन प्रोडक्ट पे देखा जाए तो कई बार बेकिंग सोडा का यूज़ होता है तो उसका पीएच 9 तक जाता है। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट का, ऐसे केमिकल का यूज़ हो रहा है और वहाँ पे अगर पीएच की दिक्कत आ रही हो तो वहाँ पे ट्राइथेनोलोमाइड एक ऑप्शन हो सकता है कि पीएच को कुछ हद तक स्टेबल रख सके। उसके बाद हो गया इमल्सिफायर, यह ऑयल और वाटर को स्थिर मिश्रण करने में मदद करता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर ऑयल बेस्ड परफ्यूम आप यूज़ कर रहे हो और अगर आपको अल्फोक्स आसानी से मार्केट में नहीं मिल रहा है और अगर आपको उस जगह पे TEA मिल जाता है तो आप TEA का यूज़ कर सकते हो, वो भी इमल्सिफायर का काम करेगा और एज अ सर्फेक्टेंट झाग बनाने का भी काम करता है। अब यहाँ पे ये भी नहीं है कि AOS की जगह पे TEA का यूज़ कर लो, भाई TEA AOS से ज़्यादा महंगा होता है। AOS आपको मार्केट में इजीली 60-70-80 रुपये में पर केजी लिक्विड मिल जाएगा, लेकिन TEA 200 रुपये के ऊपर इसकी प्राइस जाती है, तो उसकी जगह आप इसको नहीं डाल सकते। हाँ, प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ट्राइथेनोलेमाइड एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ होता है कुछ प्रोडक्ट में। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट में कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। डिटर्जेंट और क्लीनिंग प्रोडक्ट में हार्ड सर्फेस क्लीनर जैसे बाथरूम क्लीनर, टाइल्स क्लीनर, किचन डिग्रीजर आदि में TEA ग्रीस और तेल हटाने में मदद करता है। इसकी मात्रा कितनी रखनी है यह आप फॉर्मुलेशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, बैच बनाओ उसके बाद चेक कर लो। डिश वॉश लिक्विड और लॉन्ड्री डिटर्जेंट में झाग को स्थिर बनाए रखता है और साफ सफाई को बेहतर करता है। डिसइंफेक्टेंट उत्पादनों में पीएच को कंट्रोल कर रोगाणुनाशक प्रभाव बढ़ाता है। बाकी और भी इंडस्ट्री होती है जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, लुब्रिकेंट, टेक्सटाइल उद्योग, ये सब हमारे काम का तो नहीं, हमारे काम का क्लीनिंग प्रोडक्ट में है। तो जो डिस्कशन था वो यहाँ तक था, आगे और भी केमिकल के बारे में डिस्कशन होगी, उम्मीद करता हूँ इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई हो और आगे और भी केमिकल के बारे में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में इन्फॉर्मेशन अगर आपको काम की लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बताइएगा, जो भी उसका सॉल्यूशन होगा मैं आपको जवाब दे दूंगा। और अगर आपको कंप्लीट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग सीखनी हो तो मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।